कितनी है? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, बैचलर्स किया हुआ है मैंने। अच्छा, ये रोड साइड इटरी मुल्तान में इस तरह के बहुत कम इनोवेटिव रेस्टोरेंट्स हैं, तो कैसा लगता है यहाँ पे आगे आपको? नहीं, रोड साइड इटरी को तो हमने, आप ऐसे समझ लेंगे मुल्तान में अगर आपने फर्स्ट नंबर का पिज़्ज़ा खाना है तो आप रोड साइड इटरी पे आके पिज़्ज़ा टेस्ट करें। अदरवाइज़ जो है मुल्तान में सिर्फ दो ही जगहें ऐसी हैं जहाँ का पिज़्ज़ा आप जो है खा सकते हैं, इसमें जो है 14 स्ट्रीट और रोड साइड इटरी। इसके अलावा तो हम मुल्तान में किसी और जगह पिज़्ज़ा खाने जाते ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है आपने, और फिर क्या वजह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बावजूद आपने बिज़नेस को प्रेफर किया और ये सेटअप स्टार्ट किया? एक तो देखें, जॉब्स के प्रॉब्लम्स हैं आजकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सेचुरेशन की वजह से जॉब्स तो मिलती नहीं है। ठीक है, अगर मिलती भी हैं तो इतनी पे ही नहीं होती उसमें कि आप अपना गुजारा कर सको, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और आप पूरी लाइफ अपनी वेस्ट करते हो उसमें जॉब करके। ये बहुत अच्छा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है जो है बिजनेस में आके, और इजी कंफर्टेबल भी है, गाड़ी में बैठे बैठे आपको मिल जाती है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, इजी कंफर्टेबल है। रोड साइड इटरी मुल्तान में बहुत कम ऐसे इनोवेटिव रेस्टोरेंट्स हैं, तो कैसा लगता है यहाँ पे आके? अच्छा लगता है, और मेन्यू भी काफ़ी डिफरेंट है बाकियों से, और वैरायटी भी है और सब कुछ है, और प्राइसेस भी अच्छी हैं, और सीटिंग एरिया भी तकरीबन अच्छा है। टेस्ट कैसा है? टेस्ट भी अच्छा है, मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है लेकिन सेटिस्फैक्ट्री है। कोई सबसे ख़ास बात जो इस रेस्टोरेंट को सबसे अलग बनाती हो? ख़ास बात यह है कि इनका जो इनोवेटरी माइंड है कि भाई वैगन में इनका ऑर्डर रिसीव करते हैं, ठीक है, पीछे इनका किचन है, और ये मतलब लोगों की अट्रैक्शन जो है ना वो देखता है, और ये कुछ है बस, टेस्ट भी अच्छा है, सब कुछ बेहतरीन है। अच्छा, मुल्तान में इस तरह के बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं हमें, तो रोड साइड इटरी एक काफ़ी इनोवेटिव नाम भी है और आपने सेटअप भी लगाया है, तो क्या सोच के आइडिया आया आपको ये? बस मैं मतलब कि ये समझ लें कि मैं जो है रेंट से ख़त्म करना चाहता था काम। पहले मैं रेंटेड बिल्डिंग में मैं करता था वर्कशॉप इटरी के नाम से, उसके बाद मैंने उसको छोड़ा, तो मैंने कहा कि रेंट की बचत की जाए, फूड कॉस्ट ताकि कम पड़े और उसको सस्ता करके बेचा जाए, तो इस वजह से मैंने इस आइडिया से बनाया। वर्कशॉप इटरी वो आपका ही सेटअप था? मेरा ही था। वो काफ़ी लोग मुल्तान में परेशान भी थे कि वर्कशॉप इटरी एकदम से स्विच ऑफ हो गया, तो क्या इशू हुआ? हाँ, रेंटेड बिल्डिंग थी ना। अच्छा। तो वो उसके क्लैशेस चलते रहते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे, तो उसको छोड़ना चाहता था, तो इस वजह से पीछे मेरा घर है तो मैंने घर की जगह को अपनी यूटिलाइज किया इस तरीके से। तो अगर ऐसा आइडिया आना था तो आप तो अपने लोन में भी कुछ कर सकते थे, तो गाड़ी कैसा है? गाड़ी का इसलिए आया क्योंकि मेरा भी जो पीछे जगह है वो रेजिडेंशियल है, वो कमर्शियल नहीं है, तो इस वजह से मैं उसको एज अ कमर्शियल तो पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने काउंटर जो है वैन में बनाया। वैन आपने कहाँ से ली? ये तो मैंने बाहर से पीसेज में मंगवाई। हाँ जी, आप काफ़ी शौक से खा रहे थे बर्गर, तो बर्गर पसंद है या यहाँ का बर्गर पसंद है? नहीं, बर्गर काफ़ी पसंद है, मतलब कई जगहों के अच्छे होते हैं, तो मुल्तान में यहाँ का बर्गर काफ़ी अच्छा है। मतलब ये मतलब काफ़ी महंगी है और एंटीक्स में आती है ये, तो कितना? काफ़ी इस पर खर्चा हो गया। हाँ, काफ़ी खर्चा हो गया, लग भी रहा है देखने, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है। अच्छा, इसके अलावा कस्टमर्स के क्या रिव्यूज़ होते हैं आपके? तो शुक्र है, बहुत अच्छा है आपके सामने। नहीं, वैसे मतलब किसी कस्टमर का स्पेसिफिकली कोई रिव्यू जो आपको बड़ा पसंद आया हो आपके सेटअप के बारे में? सब, हर कोई बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोग इस आइडिया को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। 4 साल BS करके लैक्स में पे करके भी हमें 17,000 रुपये सैलरी मिल रही होती है स्टार्टिंग। 17,000 पे बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इतनी भी नहीं। हाँ, 17,000 बिल्कुल, 17,000 ऐसे ही मिलती है आपको पर मंथ सैलरी। जो आपके साथ के बैचमेट थे सब ऐसे बिजनेस कर रहे हैं? बिजनेसेस में एक दो हो गए, आप देख लें 60 की स्ट्रेंथ होती है क्लास में, लेकिन उसमें एक दो ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, वो भी बाहर जाके मास्टर्स करके मजीद वहीं भी सेटल। इंजीनियर्स ऐसे फजूल में बदनाम नहीं है, वो सही बदनाम है कि हाँ कह सकते हैं, लेकिन फील्ड पे डिपेंड करता है। हाँ, फील्ड पे डिपेंड करता है। तो बाकी जो इंजीनियर्स इस टाइम इंजीनियरिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? कि सोच समझ के अपनी फील्ड सेलेक्ट करें, अगर तो इंटरेस्ट है, प्रॉपरली चल सकते हैं उसमें तो ठीक है इंजीनियरिंग, लेकिन अगर नहीं है, आगे नहीं निकल सकते, तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है। बिजनेस को प्रेफर करें। Thank you so much. Thank you.